एक नॉर्मल एक आप इमेजिन करिए समवन जो कि एक एवरीडे मुसलमान है हमारे मुल्क का, जो कि शायद नमाज भी पढ़ता है ऑन एंड ऑफ, लेकिन नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ भी देख लेता है, स्मोकिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता है, सिनेमा में जाके मूवी भी देख लेता है, खाना पीना भी बाहर है, घर में आते हैं अच्छी बातें भी कर लेते हैं, मतलब एक एवरेज सा जो ट्रेडिशनल मुसलमान है, अब उसकी लाइफ में ये डिस्ट्रैक्शन सारी चीज़ें हैं, ही वॉन्ट्स डेवलप अल्लाह कॉन्शियस, व्हाट हाउ डू डू दैट? अलवी सिर्फ सिंपल फोर स्टेप्स हैं ब्रो. सबसे पहला अल्लाह ताला के बारे में जाने, That means आप नॉलेज सीख करें, नॉलेज सीख करें और अल्लाह के बारे में स्पेशली, ठीक है, कि अल्लाह ताला मेरे साथ है, जहन में लगाओ कि मेरा कैमरा एक अल्लाह ताला का मुझे देख रहा है, ठीक है. दूसरी चीज़ यह है कि कुरान की तिलावत कसरत से कि पढ़े कि अल्लाह ताला वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बी वनहा नफ्स अनिल हवा, यानी जिसको ब्रो गुनाह के टाइम ये आयत याद आ जाए ब्रो उसका जिस्म तड़प जाता है, उसे गुनाह नहीं होता. यानी कि अगर थोड़ी देर भी ना बंदा, मैं कहता हूँ कुरान की तलावत वे ट्रांसलेशन और थोड़ी सी तफसीर थोड़ा सा दिन में 20-25-30 मिनट भी निकाल ले, आई थिंक दैट्स दैट वुड रियली बी हेल्पफुल. तीसरी चीज ये है कि जो आप के जो भी फॉर एग्जांपल अगर आप मुराकबा को छोड़ेंगे या इफ यू फॉल इनटू इविल सिंस सीक्रेट सिंस उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, यू नो दैट वंस यू नोट देना कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज. जो हदीस मिलती है ना हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें आपने फरमाया कि क्या मतलब दिन लोग आएंगे पहाड़ों जितने बड़े आमाल लेके, अल्लाह ताला उनको ज़ाया कर देंगे, ठीक है. उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू डू सीक्रेट सिंस यू डू इट, बट देन बी रेडी कि आपके तमाम आमाल बर्बाद कर दिए. लेकिन ब्रो जो आपने कहा ना कि वो जो वो इनके दिल कांपने लग जाते हैं और वो गुनाह नहीं करते, मैं फिर यही कहूँगा कि गुनाह फिर भी होते तो हैं ब्रो, हो जाते हैं. लेकिन वो किन की बात हो रही है, किन के दिल कांपने, वो ताबईन के पास भी ना, यानी लोग आते थे शेख गुनाह हो जाता है फिर तौबा करता हूँ फिर रिलैप्स हो जाता है, रोता हूँ बड़ी अपने पेनल्टीज लगाता हूँ फिर हो जाता है. उन्होंने कहा तू तब तक तौबा करता रहे जब तक शैतान तो उसे मायूस ना हो जाए. आपकी जो बात से लगे ना, इट्स लाइक तकरीबन तीन चीज़ें हैं इल्म से रिलेटेड, सो यू नो अल्लाह ताला का इल्म हासिल करें, कुरान का इल्म हासिल करें, और उसे एक चीज़ प्रैक्टिस है कि रेसिटेशन ऑफ द कुरान बढ़ाएं. मैं इसमें ना एक छोटी सी चीज़ जो मुझे लगता है कि बड़ी प्रैक्टिकल है जो ऐड करूँगा वो है कि अपनी कंपनी पर बड़ा गौर करें, बिकॉज आई फील कि आजकल के दौर में तो ना इट्स फर्ज है कि भाई अपने आप की कंपनी को बहुत सिलेक्ट कर, लिटरली हैंड पिक योर फ्रेंड्स. डोंट के अच्छा मेरी यूनिवर्सिटी के क्लास फेलोज तो अब यही ऑप्शन है, नहीं भाई आप बाहर निकलें, कोई स्पोर्ट्स ऐसी एक्टिविटी ढूंढ लें, क्रिकेट में चले जाएं, फुटबॉल में चले जाएं, कोई और हेल्दी रनिंग की एक्टिविटी में चले, साइकिलिंग में, तीनों चीज़ें ना भी करें ना और सिर्फ कंपनी को कर लें तो ये तीनों खुद ही आ सकते हैं, ये तीनों की तरफ ले जाएगी कंपनी.